वेलकम टू केमिस्ट्री अकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक सुपर ट्रिक पढ़ेंगे, अ ट्रिक टू लर्न डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं ये जो आपको मोनोसैकेराइड्स दिया गया है ये डी है या फिर ये एल है। बात की समझ आ रही है? ये कन्फिग्रेशन होती है, जैसे आर एस होती है ऐसे डी एल कन्फिग्रेशन होती है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आज की वीडियो गौर से देखना, बहुत आसान सा ट्रिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता हमारे पास दो तीन रूल हैं जो आपने जेहन में रखने हैं। सबसे पहला वो रूल है कि हमारे पास अजाइन एन माइनस वन कार्बन। एन माइनस वन कार्बन का मतलब है कि जो मोनोसैकेराइड्स आपको दिया गया है अगर उसके अंदर टोटल सिक्स कार्बन है तो आपने सिक्स में से एक कम करके नंबर, बाकी कितने बच गए, पांच कार्बन बच गए, तो पांच नंबर कार्बन को चेक करना है। इस पहले रूल का मतलब ये। इसी तरह अगर टोटल आपके पास फाइव कार्बन है तो इसमें से आपने एक कम करके बाकी कितने बचे, चार कार्बन, तो चार नंबर वाला जो कार्बन होगा उसको आपने चेक करना है। चेक क्या करना है कि अगर चौथे नंबर वाला कार्बन जो है उस पर जो ओ एच है, ठीक है, इज ऑन राइट साइड, अगर तो उसके अंदर जो ओ एच ग्रुप है प्रेजेंट ऑन राइट साइड, अगर तो ओ एच राइट साइड पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, डी होगी। लेकिन अगर वही ओ एच ग्रुप जो है कौन से कार्बन पे चेक करना है, जो एन माइनस वन कार्बन होगा, ठीक है, अगर तो ओ एच हमारे पास किस साइड पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ओ एच प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड देन एल कन्फिगेशन, तो दिया गया जो मॉलिक्यूल होगा जो मोनोसैकेराइड्स होगा उसके कन्फिगेशन एल होगी। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर दें ताकि अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया, सबसे पहले तो आपने इसके कार्बन कैलकुलेट करने, टोटल कितने कार्बन है, सिक्स, तो पहला रूल कहता है कि टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम कर देना है, तो टोटल कार्बन से एक कम करेंगे तो बाकी कितने बचे, पाँच, तो आपने पाँचवा कार्बन चेक करना है, यानी कि मतलब क्या, आपने ये वाला ओ एच सॉरी पाँच नंबर कार्बन को चेक करना है। पांच नंबर कार्बन का जो ओ एच है आप देख सकते हैं किस साइड पे, जी ओ एच है जी राइट साइड पे, तो इसका मतलब दिया गया जो ग्लूकोज है वो हमारे पास है जी डी ग्लूकोज है, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन डी है। अगर यही ओ एच होता लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास होना था ये एल ग्लूकोज होना था। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, टोटल कार्बन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया इसके अंदर टोटल कार्बन है जी पांच कार्बन है, यहाँ पे नंबरिंग भी की है 1 2 3 4 5, तो पहला रूल क्या है कि टोटल कार्बन जो होंगे उनमें से एक माइनस कर देना है। टोटल पांच कार्बन है तो इनमें से जब एक हम लोग माइनस करेंगे तो कितने बच गए, पीछे बच गए जी चार कार्बन बच गए। अब चौथे नंबर वाला कार्बन चेक करें आप लोग, ये वाला कार्बन इसका ओ एच जो है वो ये लेफ्ट साइड पे है, अगर लेफ्ट साइड पे तो उसका मतलब ये कौन सा राइबोज है, ये हमारे पास एल राइबोज है। अगर ये ओ एच राइट साइड पे होता तो ये हमारे पास कौन सा होना था, हमारे पास डी राइबोज होना था। तो देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, आप लोग फौरन पहचान सकते हैं कि दिया गया मोनोसैकेराइड जो है उसकी कन्फिगेशन डी है या फिर ये एल है। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कार्बन कितने हैं जी सिक्स कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कार्बन कितने सिक्स, तो पहला रूल क्या था कि एक आपने कम कर देना, टोटल कार्बन कितने बच के पीछे पांच, ठीक है, पांचवा कार्बन आपने चेक करना, ये पांच नंबर वाला कार्बन ये है, ठीक है, इसका ओ एच देखिए आप किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास मैनोज है ये कौन सा है, ये हमारे पास डी मैनोज है। बात की समझ आ रही सारे बच्चों को? बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप लोग नीट एग्जाम में, पीपीएससी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में आप लोग ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, फौरन आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को